स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। और वन प्लस के जितने भी फोन्स हैं उसमें जो है अब आपको ऑक्सीजन ओएस 40 और जो है आपको एंड्रॉयड 40 का अपडेट आना शुरू हो गया है। सारे फोन्स में अब रोल आउट हो रहे हैं। तो जब फोन में अपडेट आया तो मैंने इसे चेक किया तो ये 2.60 GB का जो है आपको मिल जाता है। अबाउट न्यू वर्जन है तो इसे हमने तुरंत से इंस्टॉल कर लिया। और इंस्टॉल करने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स जो भी आए हैं वो सारे जो है ये एडवर्टाइज़ के थ्रू बताना शुरू कर दिया। जहाँ पे भी आप जाते हैं आप में अगर उस चीज़ में कोई भी तरह का एक्स्ट्रा फीचर आता है तो वो सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स जो काफ़ी बेहतर मुझे लगे हैं इस फ़ोन में, जो कि सारे एंड्रॉयड में आना चाहिए। जो भी फ़ोन में अब 14 आएंगे शायद ये सारा चीज़ आप उसमें जो है अब मिलना ही मिलना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे अपडेट के थ्रू मिलता है एंड्रॉयड 40 में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपको ओवरव्यू दिखाते हैं। तो देखिए जिस तरह से जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया है वहाँ पे एक मैसेज जो है शो होता है कि न्यू वर्जन इंस्टॉल, अपडेट इंस्टॉल्ड, वी सजेस्ट चार्जिंग योर डिवाइस 1 to 3 hours विद द स्क्रीन ऑफ सो योर सिस्टम कैन बी फुल्ली ऑप्टिमाइज। ये कहते हैं कि मतलब फ़ोन को रेस्ट मोड में डाल दें ताकि जो है ये अपना ऑप्टिमाइजेशन कर सके, क्योंकि जो भी न्यू फीचर्स है वो सारे चीज़ जो है ये अप टू डेट खुद में कर सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू एंड्रॉयड 40 यहाँ पे लिखा हुआ है। योर फोन जस्ट गॉट सम ग्रेट न्यू फीचर्स, टेक ए क्विक टूर टू सी इट कैन यू डू नाउ। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपको एंड्रॉयड 40 में जो है क्या सारे फीचर्स जो है नया मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे में ऑप्शन आ जाता है सी व्हाट इज न्यू, तो चलिए इसको हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंक योर हेल्थ एंड फिटनेस ऐप, तो यहाँ पे आपको हेल्थ और फिटनेस ऐप भी मिल जाता है जहाँ पर कि आप अपने जो है फुटस्टेप वगैरह सारा चीज़ चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आज आप कितना जो है कार्बन एमिशन बचाए हैं पैदल चल के। तो अब आपको यहाँ पे कंट्रोल योर लोकेशन शेयरिंग के बारे में, आपको यहाँ पे सिक्योर जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है, यानी कि जब भी आप अपने लोकेशन को ऑन करते हैं तो जिस समय आप लोकेशन ऑन करते हैं तो आपका थर्ड पार्टी ऐप जो है वो आपका लोकेशन का यूज़ ना कर पाए, इसके लिए काफ़ी अच्छा जो है ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है खुद यहाँ पे सेट कर पाएंगे कि जब भी हम लोकेशन ऑन करेंगे तो कौन कौन ऐप या फिर ऐप हमारा जो है इस लोकेशन का जो है ब्यौरा ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा, उस प्रकार का सारा सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिससे कि आपका जो लोकेशन है वो शेयर नहीं हो पाएगा और वो काफी सेफ रह पाएगा। ये जो फीचर है ये काफी ज्यादा जो है आपको ओप्पो वीवो वाले फोन में मिलते थे, बट अब जो है एंड्रॉयड 14 के साथ आपको इस मोबाइल में मिलेगा जिसमें कि गैलरी में आप किसी भी फोटो को जो है कटआउट करके निकाल सकते हैं और उसे शेयर कॉपी ये सारी चीज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक फोटो है मेरा, तो इसे हम जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखिए जो भी पार्ट सेलेक्ट हुए हैं उसे आप जो है कॉपी शेयर या फिर जो है सेव कर सकते हैं। तो इसे अगर हम सेव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जिस पार्ट को मैंने कट किया है उस पार्ट को देखिए इन्होंने सेव करके रख दिया है। तो ये एक नया फीचर आया है जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा उस वक्त जब आप किसी तरह का एडिटिंग वगैरह करेंगे तो आप अपना फोटो जो है काफ़ी आसानी से यहाँ से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये जो स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन है इस ये आपको वीडियो पे भी मिल जाएगा। तो देखिए ये जो वीडियो है इसे मैंने यहाँ पे पुश किया, पुश करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे लॉन्ग प्रेस एंड देन देखेंगे आप यहाँ से भी जो है कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है और आप ड्रैग करके जो है आप डॉक पे रख सकते हैं और यहाँ से कॉपी करके कहीं भी शेयर कर पाएंगे। तो ये फीचर्स वीडियो में भी आता है तो ये काफ़ी बेहतर है। गैलरी में ही एक नया फीचर आपको मिलता है ड्रैग एंड शेयर का, तो यहाँ पे आप जो है किसी भी फोटो को जैसे सेलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो है साइड बार में हमारा फाइल डॉक खुल जाएगा। तो यहाँ पे इसे हम रख देंगे और वहाँ से हम किसी भी फोल्डर में डाल सकते हैं या फिर जिस डायरेक्ट व्हाट्सएप पे किसी को अगर मुझे शेयर करना है तो वो डॉक वाले फाइल में मुझे जाके और वहाँ से सेलेक्ट करके सीधा जो है उसे शेयर कर सकते हैं जिसे भी हम चाहते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है अब नए आपको मिल रहे हैं, आपको अब रिसेंट फाइल और फाइल डॉक ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में काफ़ी बेहतर काम किया गया है, जैसे कि पहले आप स्क्रीन जब रिकॉर्डिंग ऑन करते थे तब जो क्या होता था कि आपको बीच सेंटर में जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखता था और बाद में उसे आप उठा के ड्रैग करके कहीं पर भी रखते थे, बट अब जो है जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू फीचर्स आ गया है जहाँ से कि आपका जो भी रिकॉर्डिंग आइटम है जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो वो आपको अपर साइड में जो है साइड में बिल्कुल दिखेगा ताकि जो है आप डिस्टर्ब ना हो सके। देखिए ऊपर में जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको आ जाता है और किसी भी तरह का अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो है एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पे माइक स्टॉप भी कर सकते हैं, माइक भी बंद कर सकते हैं, स्पीकर भी बंद कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स जो है आपको मिल जाएंगे और जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये स्क्रीन के ठीक ऊपर आ जाता है और रिकॉर्डिंग में
ये नहीं दिखता है। तो जितने भी आप स्टेप चलते हैं तो कितना कार्बन एमिशन आप रोक सकते हैं, ये सारे डिटेल आपको जो है ऑन स्क्रीन मिलता रहेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। और यही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो है नया फीचर्स दिया गया है, जिसे जो है कार्बन फुटप्रिंट के नाम से यहाँ दिया गया है। इसे आप ऑन कर सकते हैं और आप कितना कार्बन एमिशन बचाए हैं ये सारा चीज़ दिखता रहेगा और काफ़ी बेहतर आपको देखने को लगेगा, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है और कार्बन का परसेंटेज है ये सारे चीज़ भी शो करते रहेंगे, तो काफ़ी बेहतर ये देखने में आपको लगेगा। अब जैसे जो सारे पिछले रिंगटोन्स थे उस रिंगटोन्स में आपको जो है कुछ ना कुछ रिंगटोन जो है चेंज हो चुका है, यहाँ पे आपको नया रिंगटोन अब मिलने लगा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम रिंगटोन में चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है आपको कुछ नए रिंगटोन भी मिलना शुरू हो गए। तो ये देखिए आपको एक नया रिंगटोन आपको सुनाते हैं। कुछ नए रिंगटोन्स भी ऐड किए गए हैं, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा रिंगटोन जो है इसमें नया है, क्योंकि सारे रिंगटोन को हम मैंने पहले चेक नहीं किया था, बट मैं जानता हूं कि कुछ रिंगटोन ऐसे हैं जो कि नए ऐड किए गए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन सा रिंगटोन नया दिया गया है, ताकि हम भी उसे चेकआउट कर सकें। वीडियो में दोस्तों यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है मोटोरोला में एज एंड्रॉयड 40 का अपडेट आने वाला है, तो वो सारे डिटेल आपको दिया जाएगा।